है एम सी आर उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन मैं हूं शेख हुरबानो। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीआरपीएफ के शहीद जवान नितिन राठौड़ और शहीद संजय राजपूत के जस्ते खाकी बजरिए तैयारा लाए गए औरंगाबाद। मुहिबा ने वतन ने किया खिराज अकीदत पेश। आखिरी रसूमात अदा करने के लिए आबाई वतन ले जाए गए जस्ते खाकी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद होने वाले सीआरपीएफ के जवानों को मुल्क भर में किया जा रहा है अकीदत का खिराज पेश। शहर औरंगाबाद में भी किया जा रहा है कैंडल मार्च। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। 10वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तिहान तलबा के सर पर, लेकिन डिवीजन के 200 तालीमी इदारों ने पुर नहीं किए तलबा के एग्जामिनेशन फॉर्म्स। खाती इदारों के रजिस्ट्रेशन रद्द, तहकीकात जारी। और प्लास्टिक कैरी बैग्स के प्रोडक्शन और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लग जाने के बावजूद औरंगाबाद में धड़ल्ले से जारी है कारोबार। अंगूरी बाग में ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस पर छापा, 3 क्विंटल 50 किलो कैरी बैग जब्त। और अब खबरें तफसील से। सीआरपीएफ के दो शहीद जवानों के जज्बे खाकी बजरिए तैयारा जम्मू कश्मीर से आज औरंगाबाद एयरपोर्ट लाए गए, जो उनके आबाई वतन पहुंचा दिए गए। नाजरीन, 14 फरवरी का दिन भारत के बाशिंदों के लिए शोक का दिन रहा। इस रोज जम्मू कश्मीर के पुलवामा नामी मकाम पर दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर आईईडी से हमला किया। इस वारदात में कई बहादुर जवान शहीद हो गए, जिनमें जिला बुल्ढाणा के तालुका लोनार में वाके चोर पांगरा नामी गांव के नितिन शिवाजी राठौड़ और जिला बुल्ढाणा ही के तालुका मलकापुर के संजय राजपूत का भी शुमार है। इन दोनों शहीद जवानों के जज्बे खाकी जम्मू कश्मीर से बजरिए तैयारा फौजी जवान आज चिकल थाना औरंगाबाद एयरपोर्ट ले आए, जहां फौजी अफसरान, पुलिस अफसरान और सियासी व सामाजिक शख्सियात समेत शहरियान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। उन्होंने शहीद जवानों को सलामी दी, उनकी खिदमात का एतराज किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद शहीद जवानों के जस्ते खाकी उनके आबाई वतन पहुंचाए गए। सीआरपीएफ के सभी शहीद जवानों को हम एमसीएन की जानिब से भी खराज अकीदत पेश करते हैं। जम्मू कश्मीर झालेल्या अतिरेकाने केलेला जो महाभयंकर भारतामध्ये घडून आणलेला ह्या अतिरेक्यांनी भारतातल्या 44 ते 50 सैनिकांना वीर मरण पत्करावं लागलं। त्यासाठी आमच्या बंजारा समाजाच्या वतीनं मी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करतो। व आमचा बंजारा समाजाचा पण बुलढाणा जिल्ह्यातला एक राठोड ह्या जवानांनी वीर देशासाठी वीर स्मरण केलं, त्यासाठी त्यांना मी श्रद्धांजली अर्पण करतो। शहर औरंगाबाद में सीआरपीएफ के शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है और शहर में मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के 42 जवान दहशतगर्दों के हमले में शहीद हो जाने का मुल्क के बाशिंदों को सदमा पहुंचा है और शहर औरंगाबाद में भी मुहिबान वतन सोगवार है। इसी जमन में राजमुद्रा कैरियर पॉइंट और रैयत क्रांति संगठन की जानिब से जाधववाड़ी से टीवी सेंटर तक कैंडल मार्च किया गया, जिसमें तलबा व तालिबात समेत दीगर शहरियान भी शरीक हुए और उन्होंने शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। जम्मू काश्मीर मधील पुलवामा मध्ये भारतीय सैन्य दलावरची जो हल्ला झाला, त्या हल्ल्यामध्ये भारताचे 44 जवान शहीद झाले। त्या जवानांना वीर श्रद्धांजली वाहण्यासाठी या ठिकाणी औरंगाबाद मधील शिडको हरदोचा परिसर आणि राजमुद्रा करिअर पॉइंटच्या वतीनं हे आयोजन करण्यात आलेलं आहे। यामध्ये वीर जवानांना श्रद्धांजली, या ठिकाणी आम्ही पाकिस्तानचा जाहीर निषेध करत आहोत। आमची सरकारला विनंती आहे की लवकरात लवकर या 44 जवानांच्या शहीदाचं, या बलिदानाचं या ठिकाणी त्यांना प्रायचित्त दिला गेला पाहिजे। या ठिकाणी पाकिस्तानवरती कडक कारवाई केली गेली पाहिजे, यासाठीचा हा मोर्चा, या ठिकाणी हा कॅन्डल मार्च आम्ही काढलेला आहे आणि आम्ही या सर्व वीर जवानांना श्रद्धांजली अर्पण करतो। जबकि शागंज में बाबाए कौम महात्मा गांधी के मुजस्मे के सामने के रास्ते पर
MIM की जानिब से MLA इम्तियाज जलील की क्यादत में कैंडल मार्च किया गया और शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया। जो हमारे फौज के ऊपर हमला किया गया है वो सिर्फ ये समझ नहीं रहे हैं कि उन्होंने हमारे फौज के ऊपर हमला किया है, इस पूरे देश के ऊपर हमला किया है, और जो हमारे जांबाज सिपाहियों की जान गई है, ऐसे वक्त में पूरा देश एक साथ मिलकर खड़ा हुआ है। आज देश भर में एक गम का और गुस्से का माहौल है, और उसी गम को, उसी गुस्से को दर्शाने के लिए आज देश भर में इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के साथ साथ इस मुल्क के नौजवान सब हमारे जांबाज सिपाहियों को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं एक पैगाम देने के लिए इस मुल्क की सरकार का कि अगर उन्होंने हम पर हमला किया है तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसा दिया जाता है, यह अब मुल्क की सरकार को दिखाना है और एक मर्तबा पाकिस्तान को ये बता देना है कि अगर तुम ये समझ रहे हैं कि ये देश को तुम कमज़ोर कर सकते हैं, देश के ऊपर हमला करके तुम ये सोच सकते हैं कि हम कुछ भी करेंगे, लेकिन इस देश के अंदर हम एक पैगाम तमाम उन दुश्मनों को पहुंचाना चाहते हैं कि हम अलग अलग जाति, धर्म, मजहब, हमारी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हो सकती है, लेकिन अगर मुल्क के ऊपर हमला होगा, अगर मुल्क के ऊपर इस तरह की साजिशें रची जाएगी तो पूरा देश एक साथ मिलकर खड़ा रहेगा और अल्हम्दुलिल्लाह हम में इतनी ताकत है कि तुम्हारा मुकाबला हम एक साथ मिलकर कर सकते हैं। इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं एक नारा लगाने के लिए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसी तरह महाराष्ट्र मुस्लिम महासंघ की जानिब से बुडीलैंड में कैंडल मार्च किया गया और शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुकुंदवाड़ी में अवधूत अंधारे मित्र मंडल की जानिब से कैंडल मार्च किया गया। इस मौके पर कई शहरियान ने शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जानिब से भी जम्मू कश्मीर में पेश आई वारदात की कड़े लफ्जों में मजम्मत की गई और शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इसी तरह मुहिबान वतन ने इलाकाई कमिश्नर ऑफिस के सामने भी शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया और एक मेमोरेंडम हुकूमत को रवाना करके पाकिस्तान और टेररिस्ट ग्रुप को सबक सिखाने का मुतालबा किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे पाकिस्तान चा करायचं काय, खाली मुंडक वर पाय, पाकिस्तान चा करायचं काय, खाली मुंडक वर पाय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दादागिरी, नहीं चलेगी पाकिस्तान की दादागिरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी पाकिस्तान की दादागिरी, नहीं चलेगी। ओके, सबसे पहले तो हम हुकूमत से डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने के लिए सब कदम उठाए जाए, और दूसरी बात यह है कि हमारी फौज को पूरी तरीके से आज़ादी दे दी जाए, वो जो चाहे करे, क्योंकि जो भी जुल्म हम लोगों पर होता है वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फौज को उसके तरीके से काम करने की इजाज़त दी जाए। अभी 42 लोग शहीद हुए हैं और अपने सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, क्या कारण क्या है? सरकार ने एक्शन नहीं लिया है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो भी आजकल जो टीवी पर न्यूज़ेस आ रही है, जो उनकी मीटिंग वगैरह चालू है, हो सकता है सरकार सोच विचार करके उसको अच्छे पैमाने पर हैंडल करने की कोशिश कर रही है। आम नागरिक के तौर पर आप जो है पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो हमेशा हमले करता है भारत पर और दहशतगर्दी यहीं भेजता है? और आम नागरिक के तौर पर मेरे हमेशा ये मंशा रहेगी कि वो एक पाकिस्तानी मुल्क है, पाकिस्तानी देश एक आतंकवादी मुल्क है, और उसको आतंकवादी मुल्क घोषित करने के लिए हर तरीके से हर मुमकिन जो कोशिश हो सकती है हमारी गवर्नमेंट ने करना चाहिए। CRPF के काफिले पर पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले में बहादुर जवान शहीद हो गए, लिहाजा इस हमले की चारों तरफ से मजम्मत का सिलसिला जारी है। इसी जिमन में एक ताजियती प्रोग्राम उस्मानपुरा में वाकई राष्ट्रवादी भवन में रखा गया और शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया। वाज़ेह है कि कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए दहशतगर्दाना हमले की हर सतह से मजम्मत का सिलसिला जारी है और सभी सियासी जमातों व समाजी तंजीमों ने इस हमले को पाकिस्तान की बुजदिलाना कार्रवाई करार देते हुए उसकी शदीद मजम्मत की। इस ज़िमन में NCP की जानिब से उस्मानपुरा में वाक़े राष्ट्रवादी भवन में एक ताज़ियती प्रोग्राम गुज़श्ता शाम रखा गया और शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई
और हुकूमत से ईंट का जवाब पत्थर से देने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर एनसीपी माइनॉरिटी सेल के नायब रियासती सदर नवीन मनमोहन सिंह ओबेरॉय, जिला सदर कैलाश पाटिल, छाया जंगले, वीना खरे, प्रतिभा वैद्य, प्रीतम सिंह छाबड़ा, कंवल नयन सिंह लांबा, शेख कयूम, जावेद खान, अमर ओबेरॉय और यश ओबेरॉय भी मौजूद थे। इसी तरह मुकुंदवाड़ी इलाके में भी पुलवामा हमले के शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर अमूल ताइडे, राजू वाघमारे, राजू मस्के, गणेश खोरपड़े, राहुल जाधव, सचिन ठाकरे, चंदू गौले, सुमित वाघमारे और गौतम भी मौजूद थे। इसी तरह महाराष्ट्र व गोवा नोटरी एसोसिएशन की जानिब से भी पुलवामा के शहीद सीआरपीएफ जवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर एडवोकेट सैयद सिकंदर अली, एडवोकेट एम जी एच खादरी, एडवोकेट अरुण दहाड़े, एडवोकेट यशवंत खरोड़, सैयद अख्तर, शेख अदनान और दीगर शहरियान मौजूद थे। मैं एडवोकेट सैयद सिकंदर अली, अध्यक्ष महाराष्ट्र एंड गोवा नोटरीज एसोसिएशन व सदस्य ऑल इंडिया फिल्म सेंसर बोर्ड, पुलवामा मध्ये काश्मीर मध्ये जे आमच्या बांधवांवर आतंकवादी लोकांनी जे भ्याड हल्ला आमच्या बांधवांवर केलं ते आम्ही तर सर्व जाहीर निषेध करतो। आणि आमची ही मागणी आहे की त्याचा बदला घेण्यासाठी पाकिस्तानवर आपण तसाच हल्ला करून त्यांना संपुष्ट आपण करू, ही आमची माननीय पंतप्रधान मोदी साहेबांना कडकडीची विनंती आहे। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए जवानों के वर्षा को माली इमदाद फराम करने की गर्ज से शहरियान वजीर आला फंड में अतियात जमा करवाना चाहते हैं, मगर जिला कलेक्टर ऑफिस में उनकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है। ये इल्जाम नोटरी एसोसिएशन के सदर सैयद सिकंदर अली ने लगाया। जिल्हाधिकारी कार्यालय निधि देने अपने शहीद बांधवांसाठी तर तिथे काही सुविधा निधी घेण्यासाठी नाही, तरी कृपया लवकरात लवकर जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांनी ती सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, ही नम्र विनंती। मेरा नाम काजी हमीदुद्दीन, मैं आता मुख्यमंत्री सहायता निधि निकले काश्मीर में दहशतवादी हल्ला में शहीद झालेल्या कुटुंबाला आर्थिक मदत म्हणून मी देण्यासाठी आलो। फ्रेट ऑफिस मला प्रशासन विभाग नंतर महसूल विभाग पडलं, तिथे कोणी मैं स्वीकारले नाही। प्रशासन विभाग प्रशासकीय विभागामध्ये जा असं सांगण्यात आलं, त्यांनी काही सांगितलं नाही। आम्ही आम्हाला ऑर्डर नाही आली, तुम्ही वेबसाईट द्या जमा करा परस्पर। मदत करणार आहे? यस यस यस। मुख्यमंत्री सहायता निधी काश्मीर येथील दहशतवादी हल्ल्यात शहीद जवानांना कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्यासाठी आम्ही गेलो असता तिथं कोणत्याही प्रकारचा एक सुविधा उपलब्ध नाही आहे निधी जमा करून घेण्याची, तरी लवकरात लवकर ही सुविधा शासनाने सुरू करून द्यावी, उपलब्ध करून देण्यात यावी, ही विनंती आहे। आइंदा इम्तिहानात के लिए तलबा के एग्जामिनेशन फॉर्म्स ना भरने वाले 200 तालीमी इदारों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए हैं, ये इतला डिविजनल बोर्ड से मौसूल हुई है। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के तहत 12वीं जमात का सालाना तहरीरी इम्तिहान आइंदा हफ्ते से और 10वीं जमात का सालाना इम्तिहान यकुम मार्च से शुरू हो रहा है, लेकिन बोर्ड के डिविजनल दफ्तर से मालूम हुआ है कि डिवीजन के 86 स्कूल्स और 114 जूनियर कॉलेजेस की जानिब से इम्तिहान में शिरकत के लिए तलबा के एग्जामिनेशन फॉर्म भेजे ही नहीं गए। तो सवाल ये है कि क्या ये तालीमी इदारे बोगस हैं, और नहीं तो फिर तलबा आखिर गए कहाँ? ज़राए का कहना है कि इन सभी 200 तालीमी इदारों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए हैं और इस मामले की तहकीकात जंगी पैमाने पर की जा रही है ताकि खातियों पर कानूनी कार्रवाई जल्द की जा सके। अंगूरीबाग इलाके में वाके एक ट्रांसपोर्ट कंपनी पर छापा मार कर म्युनिसिपल अमले ने 350 किलो ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग जब्त की। ये कार्रवाई DCP रविंद्र निकम की रहनुमाई में अंजाम दी गयी। वाजरे के माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से हुकूमत महाराष्ट्र ने प्लास्टिक कैरी बैग्स और प्लास्टिक से बनी दीगर अशिया की पैदावार, फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर रखी है। इस ज़िमन में एक कानून भी बनाया गया जो यकुम जुलाई 2018 से पूरी रियासत में नाफिज किया गया है। इसके बावजूद शहर में प्लास्टिक कैरी बैग्स का कारोबार जोरों शोर से जारी है, लिहाजा ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स और अशिया का कारोबार करने वालों और उनका इस्तेमाल करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया घन कचरा प्रोजेक्ट के तहत खुसूसी मुहिम चला रहा है। इसी जिमन में आज म्युनिसिपल अमले ने अंगूरी बाग में वाके एक ट्रांसपोर्ट कंपनी पर छापा मारा और 350 किलो ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स के 9 थैले जब्त किए।
ये कार्रवाई डीएमसी रविंद्र निकम की रहनुमाई में सफाई इंस्पेक्टर सचिन आरखरात, दानिश सिद्दीकी, उमेश खरात, सतीश दाबाड़े, बंडू साबड़े, योगेश भार साकड़े, अनिल जाधव, प्रसाद दांडगे, गणेश खरात, दीपक पडोल, गजानन लांडगे और रईस अहमद ने अंजाम दी। मरकजी वजारत सेहत ने ई लर्निंग प्रोजेक्ट के तहत घाटी अस्पताल को मुल्क के 150 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों से जोड़ दिया है। मरकजी वजारत सेहत और फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट की जानिब से ग्रीन फील्ड के तहत नेशनल मेडिकल कॉलेज नेटवर्क प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत मेडिकल कॉलेजों को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। इस ई लर्निंग प्रोजेक्ट के तहत चंडीगढ़ का SGPGI को नेशनल रिसोर्स सेंटर बनाया गया है। इसके तहत 8 रीजनल सेंटर बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में मुंबई के KM हॉस्पिटल को सेंटर बनाया गया है। हाल ही में घाटी दवाखाने में मुनक्कदा लेक्चर का रास टेलीकास्ट किया जा चुका है। दीगर मेडिकल कॉलेजों में मुनक्कदा लेक्चर से भी घाटी दवाखाने के तलबा इस्तेफादा कर सकेंगे। औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ये प्रोजेक्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के तहत शुरू किया गया है और मस्कुरा प्रोजेक्ट के तहत घाटी अस्पताल मुल्क के 150 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों से जुड़ चुका है। म्यूनिसिपल इंतजामिया और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की लापरवाही के सबब चीताखाना कब्रिस्तान का तकद्दस पामाल हो रहा है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, म्यूनिसिपल इंतजामिया की लापरवाही के सबब शहर में आवारा घूमने वाले कुत्तों की तादाद में आए दिन इजाफा होने लगा है, जिसकी वजह से शहर में सगे गजीदगी के वाकयात बढ़ गए हैं और सगे गजीदगी के शिकार मरीजों को इलाज के लिए घाटी दवाखाना ले जाया जाता है, जहाँ एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी रेबीज सीरम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से कुत्तों के खैर का शिकार होने वाले मरीजों को अपने अखराजात से महंगे इंजेक्शन खानगी मेडिकल स्टोर से खरीदे पड़ रहे हैं। म्यूनसिपल इंतजामिया की बेहिसी का यह आलम है कि खुद म्यूनसिपल दफ्तर के अतराफ में सुबह से शाम तक आवारा कुत्तों की एक बड़ी तादाद डेरा जमाई हुई है और अब तो ये खोखावार कुत्ते म्यूनसिपल दफ्तर से मुतसल चीताखाना कब्रिस्तान में भी दन दनाते फिर रहे हैं, जिसकी वजह से कब्रिस्तान का तकद्दस पामाल हो रहा है। अहम बात तो यह है कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान ने ना तो यहाँ चौकीदार मुकर्रर किया है और ना ही सफाई इंतजाम दुरुस्त करवाए हैं और यहाँ चारों तरफ गंदगी का राज है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। और तो और अवामी नुमाइंदे भी इस मामले में खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जिसके सबब उनके तई शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। शिव जयंती के पेश नज़र म्यूनिसिपल इंतजामिया शहर के रास्तों की मरम्मत करवा रहा है। इसी जिमन में एक मीटिंग मेयर नंद कुमार गुड़ेले की सदारत में रखी गई। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाएगी और शहर में रैलियां निकालने के अलावा दीगर प्रोग्राम्स भी मुनाकिद किए जाएंगे। जयंती के पेश नज़र औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर के रास्तों की मरम्मत करवा रहा है और स्ट्रीट लाइट्स भी लगवा रहा है। इसी जिमन में एक मीटिंग मेयर नंद कुमार गुड़ेले की सदारत में गुज़श्ता रोज रखी गई और तबादला ख्याल किया गया। इसी तरह क्रांति चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्मे की ऊंचाई बढ़ाने का काम भी 20 फरवरी से शुरू करने का फैसला किया गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रेणुका दास वैद्य, शिव जयंती महोत्सव समिति के बानी सदर पृथ्वी राज पवार और शहर के कॉर्पोरेटर्स के अलावा सिटी इंजीनियर SD पांजड़े, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MB खाजी और वार्ड ऑफिसर संपत जराले भी मौजूद थे। शिवराय हे जे आम्ही झेंडा विक्रीचा उपक्रम राबवलेला आहे, ह्या झेंड्यातून आम्ही जास्तीत जास्त फक्त 2-5 रुपये एवढ्या नफ्याने आम्ही विक्री करत आहे आणि यातून जो आम्हाला नफा राहील यापुढे समजा आम्हाला जोही नफा राहील तो आम्ही मराठा क्रांतीसाठी ह्या उपयोगी आणणार आहे। कुठलाही आम्ही असा वैयक्तिक हा खर्च करणार नाही। जय शिवराय। मराठा क्रांती मोर्चा संभाजीनगर च्या वतीने ना नफा ना तोटा या तत्वावर झेंडे विक्रीचा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे। हा कार्यक्रम 3 फेब्रुवारीला सुरू करण्यात आलेला आहे आणि या झेंडे विक्रीमधून समाजाचे जे काही मागच्या वर्षी जे काही जास्त भावानी विक्री चालत होती ती आपण या वर्षीपासून ना नफा ना तोटा या तत्वावर झेंडे विक्री करत आहोत आणि हे झेंडे विक्री केंद्र जयस्वाल हॉलच्या शेजारी हे प्रथम सुरू करण्यात आलेलं आहे। यानंतर पुंडलिक नगर येथे दुसरं केंद्र सुरू झालेलं आहे आणि तिसरं केंद्र आपलं हे जालना रोडला गोदावरी पाटबंधारे मंडळाच्या समोर आहे आणि या झेंडा विक्रीसाठी समाज बांधवाकडून शिवप्रेमी नागरिकाकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे आणि असाच प्रतिसाद जर मिळाला तर आम्ही यापुढेही हे केंद्र कायमस्वरूपी आपण चालू ठेवू अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो।
परिषद सोशल वेलफेयर कमेटी की मीटिंग चेयरमैन धनराज बेड़वाल की सदारत में मुनाकिद की गई। औरंगाबाद जिला परिषद सोशल वेलफेयर कमेटी की मीटिंग चेयरमैन धनराज बेड़वाल की सदारत में मुनाकिद की गई। 2017 में कमेटी ने मुस्तहकिन को जेरॉक्स मशीन, कड़बा कटर और ऑयल इंजन देने का फैसला किया था, लेकिन अब तक मुस्तहकिन को उसके चेक अदा नहीं किए गए और आज मुनाकिदा मीटिंग में तो ये तजवीज़ ही रद्द कर दी गई। इसी तरह 2018-19 माली साल के लिए मौसूला तजवीज़ के तहत शेड्यूल कास्ट और नौ बौद्ध समाज की बस्तियों के काम को मंजूरी दी गई। इस मीटिंग में चेयरमैन के अलावा कमेटी के दीगर अराकिन भी मौजूद थे। शहर औरंगाबाद में सफाई इंतजाम बिगड़े एक साल मुकम्मल हो चुके हैं, लिहाजा मुक्ति संग्राम तंजीम ने केक काट कर एहतजाज किया और म्यूनसिपल कारपोरेशन बर्खास्त करने का मुतालबा किया। कानूनन म्यूनसिपल हदूद में शहरियान को बुनियादी सहूलतें फराहम करने की जिम्मेदारी म्यूनसिपल कारपोरेशन इंतजामिया पर आयद होती है, मगर पिछले कई बरसों से शहरियान बुनियादी सहूलतों से महरूम है। रास्तों में गड़े पड़ चुके हैं, माकूल मिकदार में लोगों को पानी फराहम नहीं किया जा रहा है। जहाँ पानी सप्लाई हो रहा है वहाँ या तो आलूदा पानी आ रहा है या फिर पानी का दबाव काफी कम है। एक साल से शहर में कचरा सफाई और कचरे को ठिकाने लगाने का मसला पेचीदा बना हुआ है। जगह जगह कचरे के अंबार हैं और कॉरपोरेशन का लापरवाह और गैर जिम्मेदार इंतजामिया एक साल के दौरान इस मसले को हल नहीं कर पाया और कचरा निकासी का इंतजाम दुरुस्त करने के नाम पर करोड़ों रुपये पानी की तरह जाय किए गए। लिहाजा इस मसले पर आज जन आंदोलन फिर एक मुक्त संग्राम तंजीम के नौजवानों ने कॉरपोरेशन दफ्तर पर ठिया आंदोलन किया और कचरे के मसले को एक साल मुकम्मल होने पर केक काट कर पहली सालगिरह मनाई। इसी तरह शहरियान को बुनियादी सहूलतें फराहम करने में नाकाम होने पर कॉरपोरेशन बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए एक फर्ज शनास जिम्मेदार ऑफिसर को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का मुतालबा किया। इस आंदोलन में राजेश मुंडे, अमूल दांडगे, मोहम्मद शोएब, किशोर अदड़े, संजय बंसोड़े, गुरसिद्ध सिंह, रोहित जावड़े, सुरेश पवार, बाला साहब राठौड़, सैयद अवेस, डॉक्टर प्रेम घोड़के और डॉक्टर संजीव शिंदे के अलावा तंजीम के कारकुनान बड़ी तादाद में शामिल थे। आज औरंगाबाद शहरातील विद्यार्थी, युवक आणि नागरिकांनी मिळून जन आंदोलन पुन्हा एक मुक्ती मोर्चाच्या माध्यमातून औरंगाबाद शहरात जी कचरा कोंडी झाली त्या कचरा कोंडीला आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे। औरंगाबाद महानगरपालिकेचे प्रशासन, अधिकारी व सत्ताधारी या कचरा कोंडीकडे दुर्लक्ष करून फक्त आपल्याला मावा आणि मेवा कसा मिळेल याकडे लक्ष देतात, परंतु या सर्वामुळे जनतेचं आरोग्य धोक्यात आलं असून खड्डेमय रस्त्यामुळे नागरिकांना आपला प्राण गमावा लागतोय। व आम्ही सातत्याने जन आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रशासनाचं लक्ष वेधण्याचं काम करीत आहोत। आज एक वर्ष पूर्ती निमित्त आज आम्ही सर्वांनी या ठिकाणी प्रथम वर्षाचा वाढदिवस या केक कापून साजरा करण्यात आला, मात्र जरी प्रशासनाला जाग आली नाही तर आम्ही आक्रमक भूमिका घेऊन प्रशासनाच्या खुर्च्या आम्ही स्वतः आमच्या ताब्यात घेऊन कचरा कोंडी कशी सोडवण्यात येईल आणि नागरिकांना कसं न्याय देता येईल यासाठी तीव्र आंदोलन करू। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीआरपीएफ के शहीद जवान नितिन राठौड़ और शहीद संजय राजपूत के जस्ते खाकी बजरिए तैयारा लाए गए औरंगाबाद। मुहिबा ने वतन ने किया खिराज अकीदत पेश, आखिरी रसूमात अदा करने के लिए आबाई वतन ले जाए गए जस्ते खाकी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद होने वाले सीआरपीएफ के जवानों को मुल्क भर में किया जा रहा है अकीदत का खिराज पेश। शहर औरंगाबाद में भी किया जा रहा है कैंडल मार्च, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। 10वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तिहान तलबा के सर पर, लेकिन डिवीजन के 200 तालीमी इदारों ने पुर नहीं किए तलबा के एग्जामिनेशन फॉर्म्स, खाती इदारों के रजिस्ट्रेशन रद्द, तहकीकात जारी। और प्लास्टिक कैरी बैग्स के प्रोडक्शन और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लग जाने के बावजूद औरंगाबाद में धड़ल्ले से जारी है कारोबार। अंगूरी बाग में ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस पर छापा, 3 क्विंटल 50 किलो कैरी बैग जब्त। इसी के साथ आज का एमसीएन उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।